और केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय में जिनकी संख्या 600 है और केंद्रीय विद्यालय जिनकी संख्या 1100 है, ये दोनों में मिलाकर के लगभग 23 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 23 लाख बच्चों को उच्च क्वालिटी युक्त शिक्षा सरकार दे रही है, और जबकि प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ वाली शिक्षा दी जा रही है। ये देश के बहुजन समाज को धोखा देने की चाल है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन मंच इसका विरोध करता है और भारत सरकार से इस बारे में प्रस्ताव रखता है कि भारत के संविधान की अनुच्छेद 21 का के अनुसार, जिसमें लिखा है कि भारत सरकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगी, परंतु उसके नाम पर उन्होंने जो मिड डे मील वाली पढ़ाई चालू कर रखी है, वो उसका हमें विरोध है। उससे हमारे बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है और उनको केवल लिटरेट किया जा रहा है, एजुकेशन उनको नहीं दी जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये दोहरी शिक्षा प्रणाली बंद हो, जहाँ पर कि अमीर का बच्चा अलग पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा अलग पढ़ रहा है, लिहाजा गरीब के बच्चे से ज्ञान की चोरी की जा रही है और अमीर के बच्चे को पूरा ज्ञान से आगे बढ़ करके टेक्नोलॉजी दी जा रही है। ये देश में दो समाज और दो राष्ट्र निर्माण